चिंतन बी पटेल में एक बेरियाटिक लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन हूँ, साथ ही साथ पाइल्स फिशर और फिशुला का एक्सपर्ट डॉक्टर हूँ। काफ़ी सारे वीडियोस में हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया है कि पाइल्स फिशर और फिशुला यानी बगंदर, ये तीनों बीमारी के बीच में अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेस है। यदि आपने वीडियोज नहीं देखे तो डिफरेंसेस की जो वीडियोज है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, इसे क्लिक कीजिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन की रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर पाइल्स मसे यानी बवासीर, हिमरॉइड्स, फिशर यानी चीरा और फिशुला यानी बगंदर, ये तीनों बीमारी के बारे में शायद आपको अंतर तो पता अब तक चल गया रहेगा, तो ट्रीटमेंट में क्या अंतर आता है। दोस्तों पाइल्स जो बीमारी है, ये पाइल्स यानी बवासीर या हिमरॉइड्स, ये जो बीमारी है इसमें दोस्तों बीमारी की जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली स्टेज को हम ट्रीट नहीं करते हैं, सिम्टम्स यानी क्या लक्षण है। तो लक्षण क्या हो सकते हैं, किसी को पेन हो सकता है, किसी को ब्लीडिंग हो सकता है, किसी को सूजन हो सकता है, या किसी को थोड़ा सा डिस्चार्ज आ सकता है, या फिर किसी को थोड़ी सी खुजली या डिस्कम्फर्ट है। तो ये 5 सिम्टम्स है बवासीर के पेशेंट को, मरीज को, और इसकी जो सीवियरिटी है, इसकी तीव्रता है, ये कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के और उन्होंने कितनी ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके हैं और कितने दिनों में इनको तकलीफ बढ़ती है, उस हिसाब से इनके लक्षण को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट या तो दवाई से होती है, खान पान में बदलाव से, और जब तीव्रता ज़्यादा हो तो ही ट्रीटमेंट सर्जरी आती है। तो बेसिकली इसमें बहुत बार मरीज पूछता है ग्रेड 2 पाइल से मुझे क्या करना चाहिए, ग्रेड 3 पाइल से तो क्या करना चाहिए, क्या ऑपरेशन ज़रूरी है, या ग्रेड 4 पाइल से तो क्या हमेशा ऑपरेशन ज़रूरी है कि नहीं। तो बेसिकली इसमें जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा ग्रेडिंग से ज़्यादा ट्रीटमेंट सिम्टम्स को ट्रीट करना ज़रूरी है। यदि सिम्टम्स में आराम हो जाता है तो शायद आपको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। 70-80% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है पाइल्स में, यदि उनके प्रॉब्लम की सीवियरिटी कम हो। यानी ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको एक बार पाइल्स हो गया तो हमेशा आपको ट्रीटमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़े। ठीक उसी हिसाब से फिशर में भी ट्रीटमेंट सिम्टम्स के रहते ज़्यादा, और 80-90% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है। जब फिशुला की बात करते हैं दोस्तों, तो ये इन्फेक्टिव कंडीशन है, बेसिकली पस इन्फेक्शन फैलता जाता है और नए नए रास्ते बनाता है। तो फिशुला यानी बगंदर, उसमें अधिकतम ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट रहती है। मरीज को तकलीफ शायद एकदम मामूली सी हो या फिर मेडिसिन से उनको आराम भी हो सकता हो, लेकिन फिर भी इसमें ट्रीटमेंट सर्जरी रहती है, क्योंकि सर्जरी करने से उनका सक्सेसफुल जो आउटकम्स है यानी रिजल्ट है वो बेहतर मिलता है। सिंपल फिशुला में से कॉम्प्लेक्स फिशुला होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और सिंपल शॉर्ट ट्रीटमेंट में उनको अच्छी रिकवरी मिल जाती है। तो जब भी फिशुला या बगंदर की बीमारी है तभी अक्सर हम सर्जन्स या फिर आपको डॉक्टर सलाह सर्जरी की ओर शायद ज़्यादा दे सकते हैं। ये बात अलग है कि आपको डेफिनेटली चेकअप की ज़रूरत हमेशा रहती है कोई भी कंडीशन में, और फिर वो कंडीशन के हिसाब से आपके सर्जन आपको गाइड करेंगे। तो ये थी कुछ बेसिक डिफरेंसेस ट्रीटमेंट के बारे में पाइल्स, फिशर और फिशुला। पाइल्स में ट्रीटमेंट और फिशर में जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टम्स के होते हैं, स्टेजिंग के ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं रहती है, ग्रेड वाइज ट्रीटमेंट जनरली हम करते हैं, लेकिन मेन हम सिम्टम्स को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट देते हैं। और फिशुला में जो ट्रीटमेंट है वो अक्सर सर्जिकल ट्रीटमेंट रहती है, मेडिकल ट्रीटमेंट मेनी टाइम्स फेल होती है, इसके लिए जनरली सर्जिकल ट्रीटमेंट की ओर जनरली हम सलाह देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको पाइल्स, फिशर या फिशुला की तकलीफ है तो आप क्या ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। धन्यवाद।